हम लोग टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे जो एक बेहतरीन स्टॉक्स है फॉर लॉन्ग टर्म। आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जहाँ पे सेंसेक्स तो 30% बढ़ा पिछले 3 साल में, और यहाँ पे देखिए टाटा स्टील ने जो बढ़ोतरी दिखाया है 72% का यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया एक इसका रैली रहा है। ये 253 से 3 ईयर्स के अंदर अंदर 253 था इसका प्राइस 3 साल पहले, और उन्होंने देखिए 3 साल के अंदर अंदर इसको 1519 लेवल पर चला गया था। वहाँ से फिर से करेक्शन हुआ है, ज़रूर करेक्शन हुआ है, क्योंकि हम लोग को पता है कि हर कोई स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का सिचुएशन है अभी स्टेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस, ग्लोबल जो इन्फ्लेशन रेट एंड जो हालांकि जो हमारे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, श्रीलंका का जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, तो ये सभी को लेके मार्केट में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो कि वो टाइम लेके सुधर जाएगा। बट मेरा कहना ये मानना है दोस्तों कि अगर आप नए हो शेयर मार्केट में एंड आप आयरन और स्टील सेक्टर का कोई स्टॉक्स चुनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ही स्टॉक्स, वो है टाटा स्टील। आप अगर देखेंगे इसका 3 साल का मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसका ये जो पोर्शन है दोस्तों टाटा स्टील, देखिए मार्केट को बीट किया है। सेंसेक्स जहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कलर का है सेंसेक्स, एंड यहाँ पे टाटा स्टील देखिए ऑरेंज कलर का है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो टाटा स्टील लेकिन मार्केट को भी बीट किया है। मार्केट 30% का इंक्रीमेंट जहाँ पे हुआ है बढ़ोतरी, वहाँ पे टाटा स्टील में 72% का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में आपको वेट करना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे जो डेटा है, अब मैं आपको डेटा भी दिखा देता हूँ जो नेट सेल्स है कंपनी का दोस्तों। यहाँ पर लास्ट जो साल था दिसंबर 2021 में जो लास्ट क्वार्टर था वहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पे सेल्स में बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। सेल्स ये देखिए यहाँ पे जो नेट सेल्स है दोस्तों यहाँ के देख लीजिए, यहाँ पे बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हुआ है, एंड इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसमें भी यहाँ पे बढ़ोतरी देखने के लिए मिला है। अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन करके चल रही है कंपनी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी ये कंपनी एक डिविडेंड भी दिया है, बहुत ज़्यादा बहुत ही बढ़िया डिविडेंड दिया है 15 जून को, ठीक है, उसका लास्ट डेट था एक्स डिविडेंड का। और वहाँ पे देखिए 51 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, जिसका परसेंटेज होता है डिविडेंड यील्ड, अगर परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 8.36% का डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है। काफ़ी बेहतरीन एक स्टॉक्स है दोस्तों, इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट रहोगे फॉर लॉन्ग टर्म तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर्स के पास 34% का यहाँ पे हिस्सेदारी है, और यहाँ पे आप देख लीजिए म्यूचुअल फंड हाउस और इंश्योरेंस कंपनी सेक्टर भी यहाँ पे, ये जो पोर्शन है आप देख रहे हो ये पोर्शन में पूरा इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड ने, और FII जो जो कि हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है ये स्टॉक में। तो ये स्टॉक्स मतलब बहुत ही बढ़िया है फॉर लॉन्ग टर्म इफ़ यू कंसिडर इट, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पैसा बनाना है टाटा स्टील में तो इन्वेस्टमेंट आपका बने रहे फॉर लॉन्ग टर्म, इसमें ज़्यादा आपको हर दिन आके चेक नहीं करना पड़ेगा। तो टाटा स्टील में बने रहे आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।